बैटरी बिल्कुल सही कंडीशन में है, मोटर का टेम्परेचर 37.7 किलोमीटर, ये भी सेफ ही दिखा रहा है हमको। हालांकि अगर मैं नॉर्मल मोड में चल रहा होता तो शायद कम होता, क्योंकि पावर उतनी उसको मिल रही है। बैटरी 66% अभी बची हुई है, जब घर से चले थे तब 98% के आसपास की थी, अभी 66% है। और नॉर्मल मोड में हमको जो दिखा रहा है 97 किलोमीटर की रेंज है, जब घर से चले थे तब 138 किलोमीटर चले थे, बची थी। तो इसकी आगे की जर्नी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसी स्पीड पे हम इसको ले के चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप बढ़िया होंगे सभी। तो आज का जो हमारा व्लॉग है ये रेंज टेस्ट का होने वाला है, और ये रेंज टेस्ट जो होने वाला है वो हाइपर मोड में हो रहा है। हाइपर मोड में जो हमने अचीव किए हैं वो 121 किलोमीटर अचीव किए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है हाइपर मोड में। तो टोटल हमारा 135 किलोमीटर चली गाड़ी, जिसमें इको मोड लग गया था, तो इको मोड में हमने 5.6 किलोमीटर चलाया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब 24 किलोमीटर की रेंज बचती है तो इको मोड लग जाता है, और इको मोड में 5.6 किलोमीटर चली है और गाड़ी में 18 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इको मोड की वो बची हुई है। तो अगर इस तरीके से टोटल कैलकुलेट किया जाए तो अगर वो भी 18 किलोमीटर जोड़ दें तो ये ट्रेवल डिस्टेंस जो हमारा टोटल निकल के आएगा वो लगभग 153 किलोमीटर के आसपास की ये डिस्टेंस हो जाएगी, जिसमें मैक्सिमम हम लोगों ने हाइपर मोड में हमने चलाया है। तो आज इसी को हम लोग रिवील करेंगे कि ऐसा आखिरकार इतनी अच्छी डिस्टेंस जो इको मोड में हमको रेंज मिलती है वो हमने हाइपर मोड में चला करके कैसे निकाली है। और अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो इसके बाद आप इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड सारे मोड भूल जाएंगे और हाइपर मोड में ही हमेशा गाड़ी चलाएंगे। और मैं तो वैसे भी आज के बाद से हाइपर मोड में ही गाड़ी चलाने वाला हूँ, क्योंकि अगर इतनी अच्छी रेंज मुझे हाइपर मोड में मिलती है तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं इको और नॉर्मल और इन सब में शिफ्ट हूँ, मैं रेंज इसमें भी ले सकता हूँ। इसी चीज़ को आज हम रिवील करेंगे, तो कैसे आपको हाइपर मोड में एक्स्ट्रा जो रेंज है वो कैसे आप निकाल सकते हैं उसके अंदर। और एक चीज़ और भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मुझे रेंज इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही, अच्छी रेंज क्यों नहीं मिल पाती, इस चीज़ को भी समझेंगे आज। वीडियो में बने रहिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर तो मेरी बात आपको समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ट्रिप करते हैं स्टार्ट, और वाइट वाला जो थीम है उस पर थोड़ा सा लाइंस ज़्यादा आती हैं और रिफ्रेश रेट इसका थोड़ा कम है स्क्रीन का, तो हमारा एक्शन कैमरा जो है इसको स्क्रीन पर दिखता नहीं है, इसलिए ये ब्लैक वाला थीम लगा दिया है। और यहाँ पर ट्रिप जो हमारी है 2.6 किलोमीटर हो चुकी है, इको मोड में 174 दिखा रही है, रेंज जो है नॉर्मल मोड में इसकी 138 किलोमीटर दिखा रही है। और इसको चेक करते हैं हाइपर मोड में, तो नॉर्मल मोड में हमारी जो ओला S1 Pro Gen 2 है इसकी रेंज 138 दिखा रही है, और हम इसको चलाने वाले हैं हाइपर मोड में और इसकी रेंज टेस्ट करेंगे। तो 40 की स्पीड में हम हाइपर मोड में अगर इसको चलाते हैं तो फ़र्क रेंज में आएगा क्या? अभी जिस तरीके से हाइपर मोड में 97 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और 138 नॉर्मल मोड में दिखा रहा था, तो चेक करते हैं क्या वेरिएशन इसमें आता है पर किलोमीटर, कितनी स्पीड में ये घटती है। अब इसको हम 40 पे कर देंगे लॉक, ये 40 पे लॉक हो गई है। पावर जो है वो एक नॉर्मल पावर 0.6, 0.5, 0.6, 0.5, 0.7 ऐसे करके जा रही है, फिलहाल 6 का एवरेज बैठ रहा है इसके अंदर। तो देखिए जब ढाल पे जाती है तो पावर कम हो जाती है, और जब चढ़ाई चढ़ती है या रोड ख़राब होती है, झटके वाली रोड होती है, तो पावर वहाँ पे बढ़ती है। तो ये फ़र्क रहता है, रोड कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगी कि आपका रेंज कितनी रहेगी। फ़िलहाल इसको 0.6 पे ही मान के चलते हैं, और 97 किलोमीटर हो चुके हैं अभी इसकी जो रुक करके कुछ अभी ट्रिप इसकी जो है वो जीरो करेंगे, 96 हो गई है। अब देखना ये रहेगा कि किस हिसाब से इसकी रेंज जो है वो घटती है या बढ़ती है। और ये हाइपर मोड में गाड़ी चल रही है, हाइपर मोड में चलाने का मतलब ये है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि नॉर्मल मोड में इतना दे रही है, स्पोर्ट मोड में इतना दे रही है, रेंज इनकी कम आ जाती है, तो कम क्यों आ जाती है उसका भी रीज़न, जैसे कि आप अगर हम इको मोड में चलाते तो आप कहते हैं इको मोड में तो रेंज सबसे ज़्यादा होती है, बट हम नॉर्मल मोड में ना चला करके ना स्पोर्ट मोड में चला करके हम सीधा इसको हाइपर मोड में चला रहे हैं और रेंज एक जगह अपनी कॉन्स्टेंट कर दी है, तो फ़र्क तो आना चाहिए। मेरा मानना है कि फ़र्क आना चाहिए, क्योंकि हम इसको मोटर को पावर ज़्यादा नहीं दे रहे हैं।
तो बैटरी कंजप्शन जो हमारा है वो कम है और हमारी स्पीड भी जो है वो एक जगह पे कांस्टेंट है और वो स्पीड वही है जो इको मोड वाली स्पीड है। तो अलग अलग मोड में पावर बढ़ती है हमारी मोटर की पावर यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे ये जा सकती है, हाइपर मोड है तो ये 7 किलोवाट के ऊपर जा सकती है, बट आपको देखना रहेगा कि आप कितनी पावर अपनी गाड़ी में लें, आपके वो कौन सी पावर रखनी है, कितना थ्रॉटल आपको हार्ड देना है, सॉफ्ट देना है या बहुत ही स्मूथ आपको बहुत ही स्लो आपको चलना है। राइड इफिशियंसी जब राइड जनरल में जाके आप चेक करेंगे तो आपने कितने 1 किलोमीटर पे कितने वाट आवर खर्च किए हैं तो वहाँ पे राइड जनरल में आपको दिखेगा। अभी मैं इसको हार्ड रेप कर दूँ, बिल्कुल कस के पुश कर दूँ तो ये अभी जो 0.5 दिख रहा है यहाँ पे 7.5 6.5 ऐसे करके दिखेगा। और यहाँ पे आप देखिएगा 5 किलोमीटर देखिए 5 किलोमीटर हो चुके हैं, मतलब 5 किलोमीटर गाड़ी में हो चुके हैं और 96 किलोमीटर जब मैं चला था तब वहाँ पे 3 कुछ किलोमीटर था जो राइड हुई थी समथिंग, तो अब देखिएगा यहाँ पे 96 हो चुका है। तो ज़्यादा रेंज अभी तक मेरे हिसाब से बहुत स्लो रेंज घट रही है, इसको मुझे लग रहा है इसको जीरो करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। एक बार फिर से इसको जीरो करते हैं ज़रा और फिर से गाड़ी को 40 की स्पीड पर लॉक करते हैं। तो अब आप देखिए 96 किलोमीटर की रेंज इसमें शो कर रही है, यहाँ पे 96 किलोमीटर की रेंज है और पावर वही हम 40 की स्पीड रखेंगे। अब 40 की स्पीड देखिए यहाँ पे पहुँचना है अगर तो देखिए 2-3 आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर जो हाइपर मोड का टॉर्क है वो 57 न्यूटन मीटर, कंपनी 58 बताती है मगर हमने जो कल चेक किया था इसको वो 57 न्यूटन मीटर का टॉर्क जाता है। 11 किलोवाट की पावर लगाने लगेगी आपकी गाड़ी में, अब उसमें बैटरी कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा तो 11 किलोवाट की पावर से अगर उठेगी तो आपकी स्पीड जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी पावर धीरे धीरे घटती चली जाएगी और आपको एक ऐसी स्पीड आ जाएगी जहाँ पे टॉर्क भी आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और पावर भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो जैसे कि अभी आप मुझे देखें अगर तो मैं 40 की स्पीड पर चल रहा हूँ तो यहाँ पर आप जैसे कि इस पर देखिए मैं चल रहा हूँ 1.2 किलोमीटर हो गए और 95 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर में चेक करेंगे कि क्या फ़र्क आया। क्रूज मोड पे चलाने का फ़ायदा क्या होता है, क्रूज मोड पे आपका एक्सीलेटर जो है ना वो ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना चला लें भाई, कोई फ़र्क मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इको मोड पे चल रहे हैं, नॉर्मल मोड पे चल रहे हैं या कोई और मोड पे हाइपर मोड पे चल रहे हैं। वही मैं आपको दिखाऊंगा, 95 दिख रही है यहाँ पे रेंज, तो वहाँ पे 96 से स्टार्ट हुआ था और 1.5 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी 2 किलोमीटर पे जाएंगे 94 हो गए, यहाँ पे ये पूरा 92 पूरा बाकी है, तो 4 किलोमीटर की रेंज घटी है अभी और गाड़ी 5.5 किलोमीटर चल गई है। गाड़ी 5.5 किलोमीटर चल गई है मतलब जो उल्टा होता था कि चलती कम थी रेंज घटती ज़्यादा थी इस पर, अब वो देखिए वो उल्टा हो रहा है, क्यों हो रहा है, पावर का मेन मसला आपकी पावर का है। तो जो चाहे कोई भी मोड हो, इको मोड हो, नॉर्मल मोड हो या कोई हाइपर मोड हो, आपकी एक 40 की स्पीड अगर तो आप रख रहे हैं तो उस पर आपको 0.6 किलोवाट पावर चाहिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इको मोड में आप जैसे कि आप अगर तो 20 की स्पीड में चल रहे हो, सोचते हो इको मोड में 20 की स्पीड चल रहे हैं तो उसमें रेंज ज़्यादा मिलेगी, नहीं आप हाइपर मोड में 20 की स्पीड चलाइए, रेंज आपको वही दिखेगी जो आपको इको मोड में दिख रही है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। टेस्ट किया कर रहा हूँ इसी चीज़ का, ये कंफर्म करके ही आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा पूरा। 6 किलोमीटर रेंज हो गई और वही अभी 5 कुछ दिख रही थी, रेंज उतनी ही है किलोमीटर, क्या माने हम कि हाइपर मोड में स्पीड हमारी कॉन्स्टेंट है, 40 की स्पीड जो ये 40 की स्पीड है वो इको मोड वाली है, ठीक है ना, मोड हमारा हाइपर चल रहा है फिर भी रेंज हमको इको मोड वाली रेंज क्यों मिल रही है। हालांकि इको मोड में आप मेरा जो टेस्ट रहा है वो 143 ही रहा था, नॉर्मल मोड इको मोड की रेंज बराबर आई थी, बहुत से लोग कम करते हैं मगर ये स्पीड 40 है, जितना आप स्पीड बढ़ाओगे उतनी आपकी रेंज कम होगी, जितना आपकी स्पीड कम होगी रेंज उतना ही आपकी बढ़ेगी, तो ये एक सिंपल सा फंडा है। नहीं 1.8 किलोमीटर लगभग इसमें बढ़े हैं, 9.8 से कैलकुलेट करेंगे अब फिर से तो 9.8 से कैलकुलेट के 200 मीटर हो चुके हैं, अगर तो ये पावर का खेल आपने समझ लिया
कि कितनी पावर कितनी स्पीड पे हमको देनी है मैक्स, तो आपको रेंज बढ़िया मिलेगी। भाई मोटर को आप 11 किलोवाट की पावर, मतलब वही जो मैक्स पावर देना चाह रहे हैं, लो पावर देना चाह रहे हैं, भाई एक राउंड जो इसके होते हैं ना रनिंग आरपीएम जिसको बोला जाता है, तो एक स्पीड को पकड़ने के लिए उतने आरपीएम पे ही ये मोटर चलेगी। अब उसको पकड़ाने के लिए, उसको स्पीड को पहुंचाने के लिए कितना ज़्यादा मोटर को पावर आप दे रहे हो उस आरपीएम पे जाने के लिए, क्योंकि ये एकदम से नहीं पहुंच जाएगी वो आरपीएम, धीरे धीरे करके पहुंचेंगे ना, तो उसमें पावर कितनी लग रही है, ठीक है ना। तो ध्यान इस पे देना है कि उसको पावर कितनी चाहिए, मोटर की ये पावर आ रही है, आरपीएम नहीं आ रहे हैं, आरपीएम आपको बाद में पता चलेंगे, मतलब आरपीएम नहीं पता चलेंगे इस पे। 40 की स्पीड पे कितने आरपीएम होने चाहिए, 60 की स्पीड पे कितने आरपीएम होने चाहिए, उस आरपीएम तक पहुंचाने में आप जो ये पावर देख रहे हो ना, ये पावर दे रहे हो, जल्दी से पहुंचाने के लिए आप ज़्यादा पावर दोगे, देरी से पहुंचाने के लिए आप कम पावर दोगे, ठीक है ना। तो जितना कम पावर दोगे, हालांकि 40 की स्पीड आने में आपको आरपीएम वही चाहिए ना, तो जितनी कम पावर आप दोगे और धीरे धीरे करके पहुंचोगे, तो एनर्जी लॉस आपका कम होगा। जो मैनुअल आप गाड़ी चलाते हैं ना, उसमें आपका एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है भाई। 1 किलोमीटर हो गए 89 पे, देखिए 1 किलोमीटर 89 पे ही 1 किलोमीटर हो गए आपके, और अभी देखिएगा फिर से ये कितना प्लस करेगी, अब यहाँ से जो भी आएगा वो प्लस में जाएगा। तो मेरा ये कह रहा था ना कि मैनुअल में आप जितना राइड करते हो भाई, परफेक्ट नहीं कर सकते हो, आपके एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि आप एक्सीलेटर कभी ज़्यादा ले लोगे, कभी बहुत ज़्यादा ले लोगे, कभी स्लो चलोगे, तो एनर्जी वहाँ पे आपका जो मैनुअल चलाते हो आप, उसमें एनर्जी लॉस आपका होता है। मैक्सिमम लोग क्रूज मोड नहीं यूज़ करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, एक्सीलेटर को जितना स्मूथ लेंगे, जितना स्मूथ लेंगे, अगर ये खेल समझ लिया आपने कि हाँ आप 40 की स्पीड में 0.6 पे आपके पावर होनी चाहिए मैक्सिमम, तो आप ध्यान रखिए कि 1 के अंदर ही रहे, और 0.6 तक पहुंचने पे वो अपने आप स्लो हो जाएगी। देखिए 6.1.6 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो चुके हैं, 9.8 से चली थी ना, अभी 89 है, 8 तक जाएगी क्या, 5 89 ही है अभी, 5 हो चुका है, 6 पे भी 89 है, अगर जो 8 हो गया तो फिर 2 किलोमीटर की रेंज, 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर आ रहे हैं, 88 1.6 लगभग, हाँ वही जैसे 1.8 किलोमीटर उसमें भी आए थे, 1.8 किलोमीटर इसमें भी आए हैं, हाइपर मोड के 1 किलोमीटर में, हाइपर मोड के 1 किलोमीटर में। और जब हमारी राइड स्टार्ट हुई थी तब हमारी कितनी थी रीडिंग, यहाँ पे आपको 96 दिख रहा था, बल्कि वो 6 ख़त्म होने वाला ही था, अब कितनी है वहाँ से अगर तो कैलकुलेट करेंगे 96 से, तो 10 किलोमीटर भी, मतलब 8 किलोमीटर चले हैं, 8 किलोमीटर में 11.9 12 लगभग किलोमीटर, 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ चुके हैं। जो वाट आवर पर किलोमीटर है वो हमारे इको मोड के बराबर चल रहा है, इसलिए रेंज हमें इको मोड वाली दिख रही है यहाँ पे, कि हाइपर मोड में वे 1 किलोमीटर जा रही है और हाइपर मोड में ही क्रीज हो रही है, ये 1 किलोमीटर खर्च कर रही है और हमारी बढ़ रही है रेंज, हम ट्रेवल कर रहे हैं 1.8 किलोमीटर, तो यही एक फ़र्क है। आप एनर्जी लॉस कर देते हो ये हार्ड एक्सीलरेशन में, ये चीज़ समझिएगा, हार्ड एक्सीलरेशन अगर रखा जूम से, जूम 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 ये करते हैं ना, जो स्पीड झटाक से वहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे, बाद में कहते हैं रेंज नहीं आ रही मेरी, अरे भैया रेंज आएगी तो कैसे आएगी, जब आप एनर्जी लॉस कर रहे हो एक्सीलेटर पे, तो कहाँ से रेंज आ जाएगी। आप देखिए 13.7 हो गया, फिर 1.5 किलोमीटर बढ़ गए, वही 1.8 किलोमीटर लगभग बढ़े। तो मोटर को पावर आपको कम से कम देनी है, जब आपको पता है कि 40 स्पीड चलनी है तो 0.6 से ज़्यादा पावर आप ना देने की कोशिश करें। अब 0.6 पे ही आपकी गाड़ी जो है वो 40 तक जाएगी, 40 से ज़्यादा भी जा सकती है, बट हम 40 ही स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। अब क्रूज मोड यहाँ पे लगा देते हैं, ट्रू रेंज के 16 किलोमीटर कम हुए हैं और हम लोग 27 किलोमीटर चल के आ गए हैं, बाकी जो पहले चले थे वो अलग रीडिंग है, उसको भी ऐड करेंगे। तो
वैसे तो 96 पे हम लोग चले थे, तो वहाँ पे कुछ हमारी रेंज 96 हो चुकी थी, उसके बाद रीसेट किया था। तो वहाँ से भी 96 से भी अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो 27 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, 16 किलोमीटर की ट्रू रेंज घटी है। हाइपर मोड चल रहा है भाई, हाइपर मोड, फिर भी रेंज हमको प्लस में दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एनर्जी का लॉस नहीं कर रहे हैं, क्रूज मोड पे चला रहे हैं, 40 की स्पीड पे कॉन्स्टेंट चला रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइपर मोड से या स्पोर्ट मोड से या आपका कोई भी मोड हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क आपके एक्सेलरेशन से पड़ेगा, एक्सेलेटर से पड़ेगा कि आप कितना हार्ड कर रहे हो, कितना सॉफ्ट कर रहे हो, ठीक है ना। जो ये स्पीड कांस्टेंट है इसमें नो लॉस हो रहा है, जितनी पावर चाहिए स्कूटर को चलाने के लिए वो उतनी ले रहा है। अगर आप मैन्युअली इसको चलाएंगे तो आप एक्सेलरेशन ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, फिर ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, लॉस इसी में होता है भाई साहब, इसी में लॉस होता है आपका एनर्जी का। जैसे कि आप अगर जो आप इसको 20 करेंगे ना, 20 पे ये 2 की पावर लेगी भाई साहब, 2 और 3, 2, 3, 2, 3, तो 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में रहती है पावर, 3 नहीं होती है, 3 पे कांस्टेंट नहीं चलेगी, रहेगी पावर इसकी 2 और 3 के बीच में, ठीक है ना। फिर जब 40 आएंगे तो 0.6 हो जाती है, फिर आप 60 जाएंगे अगर तो यहाँ से तो हो जाएगी 1.2, ठीक है ना, 1.2। तो आप 20 किलोमीटर की स्पीड जब गेन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एनर्जी लॉस ज़्यादा हो जाएगा, आप इस चीज़ को समझिएगा, एनर्जी लॉस वहाँ पे आपका ज़्यादा होगा। तो उसको पावर यहाँ से जो चाहिए होगी, डबल पावर चाहिए होगी, अब आपका यहाँ पे किलोवाट भी पड़ जाएगा, जो किलोवाट आवर जो KWH होता है पर किलोमीटर का, वो आपका जस्ट डबल बढ़ जाएगा भाई साहब, इसलिए आपकी रेंज कम हो जाती है। एक भ्रम ये दूर हो जाएगा कि इको मोड, नॉर्मल मोड और हाइपर मोड में रेंज अलग अलग मिलेगी या सेम मिल सकती है कॉन्स्टेंट स्पीड पे, क्योंकि हम ये 40 की स्पीड पे कर रहे हैं, क्योंकि 42 पे क्रूज मोड इस पर लग जाएगा, बट 42 पे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा बढ़िया, 40 पे लग जाएगा क्रूज मोड पे, इको मोड में, बट 42 पे नहीं लगेगा। इस तरीके से मैक्सिमम क्रूज की जो आपको लिमिट दे रखी है वो 69 है, 70 पे भी नहीं लगता भाई साहब क्रूज मोड, चाहे कोई भी मोड हो, नॉर्मल हो, स्पोर्ट मोड हो, हाइपर मोड हो, 70 पे क्रूज मोड नहीं लग रहा है, चेक कर चुका हूँ इसको, तो याद रखिएगा। तो एक बार चेक करते हैं इसकी कि टोटल ड्रिवन कितनी हो चुकी है, टोटल ये कितना आज की डेट पे चली है। तो हाइपर मोड में चल चुकी है 46.4 किलोमीटर, समझिएगा, हाइपर मोड में 46.4 किलोमीटर चली है, टॉप स्पीड 44 गई है, एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर की आ रही है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि 46 चली है टोटल 2.48 किलोमीटर के आसपास से, मतलब 48 से प्लस चल चुकी है। और ये देखिए होता ये है, चलना 40 है मगर आप पावर ले जाएंगे 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 2.5, 3 अगर देखिए हाइपर मोड में चल रही है। अब आप यहाँ पे फिर से समझिएगा, 0.6 पे मेरी गाड़ी 40 की स्पीड पहुँच सकती है, ठीक है ना, चाहे कोई मोड हो, सब में आपको 0.6 ही चाहिए। यहाँ पे 40 पहुँची, मैंने क्रूज 41 पे लेके लग गया, 40 पे मुझे लगाना है, बस हो गया 21 किलोमीटर हो चुके हैं, 44.4 किलोमीटर लगभग इस पर अभी रीडिंग आ चुकी है। ये जो अभी लास्ट टाइम पे जो रीडिंग चेक करी थी मोबाइल पे, वो टोटल रीडिंग दिखाई थी, तो वो भी चेक करेंगे, बाकी वो घर पे निकल करके अब यहाँ से करते हैं, हम यहाँ से आगे जा करके हम ले लेंगे यहाँ से टर्न। ये 52 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस कवर कर चुके हैं हाइपर मोड में, 49 लगभग 50 कह सकते हैं आप, 50 किलोमीटर हाइपर मोड में चलाई है, 44 किलोमीटर की मैक्स स्पीड गए, इससे ऊपर नहीं गए, और टोटल राइड हमारी जो है वो पूरी की पूरी राइड क्रूज मोड पे हुई है, ठीक है ना। तो 4.4 किलोमीटर का ही रीजन है, इससे ज़्यादा नहीं है, 36 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड हमारी मेंटेन हो रही है, क्योंकि हम 40 की स्पीड में क्रूज कर रहे हैं, तो 40 के नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, फिर भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, वो आ जाता है, थोड़ा कहीं रुकना, जैसे अभी रुक के बात कर रहे हैं या कुछ भी है। व्हीकल स्टेटस में देखते हैं, बैटरी बिल्कुल सही कंडीशन में है, मोटर का टेम्परेचर 37.7 किलोमीटर, ये भी सेफ ही दिखा रहा है हमको, हालांकि अगर जो मैं नॉर्मल मोड में चल रहा होता तो शायद कम होता, क्योंकि पावर उतनी उसको मिल रही है। बैटरी 66%
अभी बची हुई है। जब घर से चले थे तब 98% के आसपास की थी, अभी 66% है। और नॉर्मल मोड में हमको जो दिखा रहा है 97 किलोमीटर की रेंज है, जब घर से चले थे तब 138 किलोमीटर चले थे, बची थी। तो इसकी आगे की जर्नी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसी स्पीड पे हम इसको ले के चलते हैं 40 की स्पीड पे, और फिर बाद में कैलकुलेट करेंगे कि हमारा वाट आवर पर किलोमीटर कंजप्शन क्या आया है, जो कि हमें मोबाइल की ऐप में दिखाई देगा। तो यहाँ से फिर से राइड स्टार्ट करते हैं और रीडिंग जो है वो आगे समझेंगे। और 70 किलोमीटर मतलब यहाँ पे अब हम चल के आ चुके हैं 56 लगभग, जो लास्ट 96 को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 26 किलोमीटर में 46 किलोमीटर इसी स्पीड पे चलना उसको इनफ है, 0.5-0.6 की पावर इनफ है उसके लिए। अब जैसे ही उसको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी पावर ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वो स्पीड उसको वो मेंटेन करनी है। तो रास्ते के हिसाब से इसकी पावर जो है वो घटती बढ़ती रहती है। अब जैसे फिर से डाल आ रहा है, अभी देखिएगा इधर से थोड़ा कम चढ़ाई है, उधर से थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई थी, फिर भी चढ़ाई तो है इधर। जैसे जैसे चढ़ाई आएगी देखिएगा, फिर 1 किलोवाट, 1.2, फिर 9, उस पावर को लेने के लिए। आप भी तो ऐसे चलाते हो ना, आप भी तो चलाते हैं ऐसे ही हो, 40 की स्पीड में 1.1 की पावर ले लेते हो भगाने में, ठीक है ना। जबकि ये इसको लोड पड़ रहा है ना, चढ़ा रही है 1.3 ऑटोमेटिक, कोई एक्सीलेटर नहीं है, 1.1, फिर उसके बाद जब ये कांस्टेंट हो जाएगी देखिए 1.0, धीरे धीरे पावर कम कर रही है। इसी तरीके से तो आप एनर्जी का लॉस करते हो, ये एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि स्पीड हमारी यहाँ पे कम है, 40 है, और पावर इसको ज़्यादा लगानी पड़ रही है 40 की स्पीड मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अगर यही स्पीड अगर क्रूज इको मोड पे होती तो पावर इतनी कंज्यूम ना करती, वो बहुत धीरे धीरे पावर देती, थोड़ा स्पीड स्लो करती, मगर स्पीड उसको मेंटेन करनी है। अब देखिए यहाँ पे पावर जीरो हो गई क्योंकि ढाल पे चल रही है, तो अपने आप इसको एनर्जी मिल रही है, पावर इसको अपने आप मिल रही है। ग्रीन पे आती है तो चार्ज करती है, ठीक है ना। और जब थोड़ी सी भी पावर ले रही है, 1, 2, 3 नंबर आएंगे तो आपको ये पावर इसमें डाल रही है 40 की स्पीड को मेंटेन करने के लिए। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए 26 किलोमीटर ही लिए हैं। अगले 26 किलोमीटर में क्या वापस घर पहुंच सकते हैं? अगर अगले 26 किलोमीटर इसमें माइनस करेंगे तो 41 के आसपास की इसकी जो हाइपर मोड की रेंज है वो बचनी चाहिए। तो अब चला के चेक करते हैं अब कि कितनी रेंज बचती है, फिर कैलकुलेशन पहुंच जाते हैं घर पे, तब फिर आपको पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 45 किलोमीटर की यहाँ पे रीडिंग बची हुई है, अभी ट्रू रेंज बची हुई है हाइपर मोड की, और हम लोग अपने घर आ भी चुके हैं। और टोटल 92 और प्लस 10 करेंगे तो लगभग 102 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं। वो मीटर में देख करके टोटल पता चलेगा कि कितना हाइपर मोड और कितना नॉर्मल मोड में चली है। तो अभी डिसाइड ये किया है कि अभी इसको और थोड़ा चलाते हैं, अब दूसरे रूट पे चलते हैं और यही स्पीड पे इसको फिर से क्रूज़ करते हैं, और तब तक चलाते हैं जब तक हाइपर मोड काम करना बंद नहीं कर देता है। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा और लगेगा अभी इसमें, क्योंकि अभी रेंज अच्छी खासी है, करीब 26 किलोमीटर में ये 60+ किलोमीटर आ चुकी है। ये 98% से रीडिंग टोटल जो है वो चल रही है और 100 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है, और इसके हाइपर मोड के ही मेरे ख्याल से 95 के प्लस हो चुकी होगी है। 1-1.5 घंटा भी और लगेगा, लगभग 4 घंटे होने वाले हैं। तो 40 पे लगाते हैं क्रूज, 10 किलोमीटर में ये जितना चलती है वहाँ तक जा कर के 44 है, 34 पे वापसी कर लेंगे ताकि ज़्यादा दूर ना जा पाएँ। 10 किलोमीटर में ही मेरे ख्याल से ये 16 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। तो अब यहाँ पे पियेंगे चाय, उसके बाद आगे की जर्नी हो जाए। फिर 114 किलोमीटर 114 किलोमीटर हाइपर मोड में चल चुके हैं, 37 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ रही है, क्योंकि 40 चल रहे हैं तो 37 आ रही है, बहुत सही आ रही है। और टोटल 117 किलोमीटर चला चुके हैं। यहाँ पे स्टॉप मार दिया, अब रीडिंग उसकी नहीं दिखा रहा, और राइड स्टेट्स में दिखेगा कि 121 किलोमीटर
यहाँ पे ये चीज़ नोट करिएगा, 121 किलोमीटर हाइपर मोड में 40 की एवरेज स्पीड से चली है। यहाँ पे आप देखिए रीजन आज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इफ़िशेंसी जो आ रही है 22.7, ये चीज़ नोट करके रखिएगा कि अब तो राइड तो अब नॉर्मल मोड में ही होगी। तो 32 किलोमीटर की नॉर्मल मोड में रेंज बची हुई है, 121 चल के चले आए हैं, ठीक है ना। टोटल जो हमने आज राइड करी है वो टोटल 123 किलोमीटर, अब 32 बची है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 155 के आसपास हो जाएगी। तो इतनी तो नहीं आने वाली क्योंकि अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी रेंज। तो टोटल रेंज कितनी आती है वो भी कैलकुलेट करते हैं। बाकी आपको यहाँ पे हाइपर मोड में टोटल 121 किलोमीटर, अब देखिए 0.6 किलोवाट की पावर दे रहे हैं तो टाइम लगेगा इसको पहुँचने में। ये होती है राइड इफ़िशेंसी कि 0.6 पे ही उसको 40 जाना है, बट देखिए कितना स्लो जा रही है। अभी एक्सेलेटर हम कस के ले लेंगे तो बहुत जल्दी पहुँच जाएगी, बट दिक्कत यह होगी कि वो एनर्जी लॉस में जाएगी। हम पहुंच तो जल्दी जाएंगे बट वो हमारा एनर्जी जो है वो लॉस में चला जाएगा। फिलहाल गोप्रो की बैटरी जो थी वो ऑफ हो चुकी थी तो बैटरी चेंज करने के थर्ड बैटरी लगाई है। ये बैटरी 20 किलोमीटर की रेंज बची है और परसेंटेज में देखा जाए तो ये 13% की आसपास की रेंज बची हुई है। और गाड़ी जो है वो अब तक टोटल 121.5 किलोमीटर हाइपर मोड में, अब इको मोड में चल रही है तो 4 किलोमीटर इको मोड के हुए, नॉर्मल मोड में टोटल 8.8 किलोमीटर चली है। और मोटर का टेम्परेचर पूरी जर्नी चलाते हुए अभी 28.9 किलोमीटर है क्योंकि अब ठंडा ज़्यादा हो चुका है और बैटरी भी टेम्परेचर जो है बैटरी का भी डाउन हो चुका है। तो टोटल राइड जो हमारी डिस्टेंस है वो 134.3 किलोमीटर की हो चुकी है, तो अच्छी रेंज निकल के आई है। 20 किलोमीटर बचे भी हुए हैं अभी इसके, पहुंचते हैं घर। अब ये इको मोड में ही चल रही है, अब इको मोड में देखिए तो हमें रखना इसको 0.6 तक ही है, 0.6 में ही 40 जाएगी ये। घर पहुंच करके फिर कैलकुलेशन करी जाएगी, सब बैठ करके देखेंगे कि क्या आज अचीवमेंट मिली है हमें, अब क्या सीखने को मिला है ये भी आपको समझाएंगे। 135.9 किलोमीटर टोटल अपनी गाड़ी आज की डेट में चली है और जो बची हुई रेंज है वो 18 किलोमीटर रेंज बची है। एफिशिएंसी हमारी 23 के आसपास टोटल निकल के आई है और इको मोड में ये चली है 5.7, नॉर्मल मोड में 8.8, हाइपर मोड में 121.5 किलोमीटर। रीजन 1 किलोमीटर का हुआ, ये लास्ट में हुआ है वरना 0.6 ही था, तो रीजन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब इसको करते हैं लॉक, पहले एक बार कर देते हैं इसको रिबूट। फिर आप लोगों ने मेरी रेंज टेस्ट का व्लॉग जो है आपने पूरा देखा, और एक चीज़ जो मैं प्रायोरिटी जिस चीज़ को दे रहा था वो अपनी स्पीड और प्लस पावर को दे रहा था कि मैं कम से कम मोटर की पावर को कंज्यूम कर रहा था ताकि मुझे जो इसका जो वाट आवर कंजप्शन है वो कम हो जाए। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते रखते मैंने इसकी राइड करी और राइड में देखा आपने कितने अच्छे रिजल्ट मिले। हमारे दिमाग में एक स्पीड होती है, उस स्पीड को पहुंचने के लिए हम थोड़ा जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा उसको हार्ड रिप कर देते हैं और वहाँ तक पहुँचते ही हम अपने इस एक्सीलेटर को स्लो करते हैं, तो इस दौरान में हमारी एनर्जी का जो होता है काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। आपसे रिकमेंडेशन यही रहेगी मेरी कि अगर जो आप एक लंबी डिस्टेंस की ट्रेवल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर क्रूज मोड का ओला S1 Pro Gen 2 या ओला का कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें हाथ में सब में क्रूज मोड आता है या कोई और भी EV है, क्रूज मोड मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करें ताकि मैनुअल में आपका जो एनर्जी का लॉस होता है वो ना हो। वाट आवर कंजप्शन को ध्यान में रखते हुए अगर तो आप ऐसे ही चलाते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी रेंज मिलने वाली है। ट्रिप मीटर वगैरह सब कुछ आ गया है। इसमें एक चीज की जो कमी है मेरे हिसाब से, इसमें वाट आवर कंजप्शन जो है वो अगर मीटर में ही दे दिया जाता तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाती कि वाट आवर कंजप्शन के हिसाब से जो रियल रेंज जो हमको मिलने वाली है वो अगर मेंशन होती थी, तो जिस हिसाब से हम अगर राइडिंग चला रहे हैं जैसे कि अभी हमारी ट्रू रेंज 180 दिख रही है और जो रियल रेंज हमें 180 दिखती है, अगर हम हार्ड ड्राइव करते तो हमारा जो कंजप्शन वाट आवर कंजप्शन जैसे बढ़ते चला जा रहा है ना, बढ़ा रहे हैं अगर तो उसकी रियल रेंज और ट्रू रेंज में डिफरेंस जो है वो अगर तो हमको शो कर जाता है एक्चुअल में तो हमें काफ़ी आसानी होती है। उसके हिसाब से कैलकुलेशन पे हम अपनी स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, अपनी अगर कम हो रहा है और ज़्यादा रेंज ज़्यादा गेन करना है तो हम और थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास जितनी भी बैटरी स्टोर है और जितना ट्रू रेंज दिखा रही है उस हिसाब से हमें कौन सी स्पीड रखनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो जाती है। कारों में ये चीज़ मैंने देखी है, कारों में ये चीज़ होती है
वहाँ वाट आवर कंजप्शन के हिसाब से उनकी रेंज कैलकुलेशन होता है, तो उसमें आपको आसानी से पता चल जाता है कि अगर जिस स्पीड से आप जितने वाट आवर कंजप्शन आप कर रहे हैं वहाँ पे आपको रेंज कितनी मिलने वाली है। जैसे जैसे आपका कंजप्शन वाट आवर का बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी वहाँ पे रेंज भी है जो कम होने लगती है। आपने पेट्रोल की कारों के अंदर अक्सर देखा होगा कि रियल माइलेज जो गाड़ी के अंदर मिलने वाली होती है पर किलोमीटर पे, वो आपको वहाँ पे मेंशन करता रहता है। ऐसे ही यहाँ पे वाट आवर कंजप्शन भी पर किलोमीटर के हिसाब से क्या वाट आवर कंजप्शन आ रहा है, तो वो अगर कैलकुलेशन वहाँ पे हमें मिल जाए तो हमारी राइडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाए और काफ़ी लॉन्ग रेंज हम निकाल सकते हैं। बट ऐसा पता नहीं देंगे कब तक देंगे, क्या देंगे, देंगे या नहीं देंगे ये कुछ नहीं पता। अगर तो आप हार्ड ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि गलती आप ही की है, आप इसको हार्ड ड्राइव कर रहे हैं तो इसलिए आपको रेंज कितनी मिलने वाली है वो भी आपको वहाँ पे मीटर पे ही शो कर जाएगी कि एक्चुअल में जो एवरेज रेंज आप प्रिडिक्शन जो आपका होने वाला है वो कितना आपको रेंज मिलेगी जिस तरीके से आप चला रहे हैं। तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। इतनी भी राइड करूँगा तो मैं हाइपर मोड लगा के ही राइड करूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ है, लिमिटेशन नहीं रहती है। और मुझे क्रूज मोड में 20 पे आपका क्रूज मोड लग जाता है, 20 से लेकर के 69 तक आपका क्रूज मोड वर्क करता है। तो जिस स्पीड में भी मुझे चलाना होगा वहाँ पे मैं क्रूज मोड लगा करके अपनी स्पीड को लॉक कर दूंगा और चला लूँगा, और आसानी रहेगी, मेरा एनर्जी का लॉस उसमें कम होगा। सिटी के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो सिटी के अंदर आप मोड लगा सकते हैं, मगर आपको लंबा ट्रैवल करना है तो आपको क्रूज मोड पे ही गाड़ी को चलाना चाहिए, वहाँ पे एनर्जी के लॉस आपके बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वो वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो लाइक करें, अभी तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।